क्रिकेट खेलते हैं तो एकदम से जब बॉल लगती है उंगली पे तो एक एक डेंजरस इंजरी हो जाती है, उसको बोलते हैं मैलेट फिंगर। जब यहाँ बॉल लगी तो ये जो टेंडन आ रहा है, एक्सटेंसिव टेंडन आ रहा है, टेंडन का काम है हमारी उंगली को उठाना, ये काम है उस टेंडन का। सो वो टेंडन कई बार एवल्जन आता है, देख रहा अभी एवल्जन होगी। अगर ये एवल्जन हो जाता है तो ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि ये तो नहीं हो गया है। आइडेंटिफिकेशन ईजी है कि अगर ये अपना बच्चा अपना सीधा कर पा रहा है इस उंगली को, मतलब टेंडन काम कर रहा है, टूटा नहीं, और नहीं कर पा रहा वो ऐसी है उंगली, सीधी हो ही नहीं तो मैलेट फिंगर हो गई। इस कंडीशन में सर्जरी कंपलसरी है, नहीं तो ऐसी रह जाती है। अब आप सीधा भी कर पा रहे हो, मोड़ भी पा रहे हो, मतलब आपको चोट लगी है, हाथ लगाने पे इतना दर्द भी नहीं है, इसका मतलब फ्रैक्चर भी नहीं हुआ, बोन कंट्यूजन है, उस लेवल की चोट नहीं लगेगी, हड्डी टूट जाए पर चोट है। अब क्या होता है, चोट लगने के बाद बॉडी रेस्ट पे चली जाती है, आप हाथ मूव करना बंद कर देते हो कुछ दिनों के लिए क्योंकि दर्द होता है, तो जाम होने लगता है, तो अब आपको मूव करना है और आपको ठीक हो जाना है, और एक्सरे करा के देख लो, मालूम पड़ जाएगा कोई फ्रैक्चर है या नहीं। फिर मैंने हाथ दबा के देख लिया, चिल्लाया नहीं बच्चा तो फ्रैक्चर नहीं है। जब डॉक्टर हाथ दबाते हैं तो एक्सप्रेशन देखते हैं, एक्सप्रेशन नहीं है इसके तो अच्छी बात है। सो मेरा बेटर स्टिफ इसलिए हुई क्योंकि हमने मूव नहीं किया। अब यू टू मोबिलाइज ईच एंड एवरी ज्वाइंट, तीनों ज्वाइंट को मोबिलाइज करना है आपको, कुछ दिन दर्द रहेगा अपने आप ठीक हो जाएगा। स्टेप वन, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप टू, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप थ्री, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूँगा, आपके फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।